दबा चुका हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश किया चीज़ों को बनाने। से मुझे थ्रेटन कॉल आ रहा है जिस दिन से इस फिल्म का शुरुआत किया था, और वो तो चलता रहता है क्योंकि उनके घर के सामने दस्त करते थे तालिबानी, जब उनको तकलीफ नहीं हुआ, उनको डर नहीं लगा, तो एक ईमेल के थ्रू एक वर्चुअल थ्रेटन से मुझे डर नहीं लगता, सामने भी आ जाएंगे देखा जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ से अभी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है, जैसे एक मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने मेरे पे काफिर का फतवा लगा दिया, उनको ऐसा लगा मलाला के पोस्टर में मलाला ने जो किताब पकड़ी वो शायद कुरान पाक है, और बेहुरमती मैंने किया है क्योंकि उस पर ब्लास्ट हो रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह एक दो दिन में वो समझ जाएंगे कि वो एक इंग्लिश किताब है जिस पर मैंने ब्लास्ट दर्शाया है, क्योंकि वो सिचुएशन को हमने दर्शाने की कोशिश की है। थैंक यू। I would just like to say that first of all, congratulations, the film is finally here, and for Malala, Malala has been like the biggest inspiration for all the teen young girls out there, and to release a film on such a subject, it takes a lot of strength, a lot of guts, a lot of hard work. So congratulations that it's finally here. And Reem, I love you so much, you know that, and I'm just so happy for you that you've been part of such a great project, and I just hope that whatever you do in your life, you're happy in it, and that you always keep achieving and successing. ट्रेलर तो मैंने जब पोस्टर ही आया था, आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट इट ऑन गूगल एंड एवरीवेयर, बिकॉज यू नो आई वाज ऑलवेज सो आई डोंट नो आई वाज वेरी इंटरेस्ट, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सो या आई वाज ऑलवेज सर्चिंग अबाउट इट एवरीवेयर, एंड वंस द ट्रेलर केम आउट आई टेक्स्टेड रीम एंड आई वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली ह्यूज फॉर हर, एंड आई नो कि वो कितना अभी खुश है और कितनी नर्वस है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट शी इज़ such a close friend of mine, and yeah, I'll always be there for her. Okay, lastly, ek cheez jaanna chahenge, like Malala ka matlab poster to it's amazing, trailer is amazing, itne pyare tarike se matlab Reem ne act kiya hai, itna acha script hai, but still ek controversy se unhe guzarna pada, kya kehna chahenge, matlab kaafi religious matter isme ghusaya hai. Definitely, that's what I said, bahut risky hai and bahut guts chahiye aise project ko release karne ke liye, so first of all congratulations to the director and Reem also. And yeah, controversies to hoti hai, but it's just about you know, just going and just giving your 100%, and which she has given, I've seen it in the trailer. Aur itne sensitive topic ko aage lana, it's not easy thing to do, but it, you know, this was required, I really feel, and especially for all the young girls who really want to study, and education is really important, and it is a necessary for everybody, be it a girl or a boy, whatever it is. So I'm just really happy that they are really inspiring people through this project, this film. Thank you so much. देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया गया है, ये टॉपिक को बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह हम वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसी वजह से हमको औरतों को भी पूरा अधिकार है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और इस सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांगली उठाया गया है। अमजद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया है, संजय सांकला जो प्रोड्यूसर है वो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये सब्जेक्ट जब मैं पहली बार सुना, और मैंने ये पिक्चर पहले भी देखी है, वाकई एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को, और मेरी शुभेच्छा है दोनों के साथ, भगवान करे कि ये पिक्चर चले और लोगों तक मैसेज जो वो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा पाए, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो लड़की बढ़ेगी, और उससे हम हमारी नींव दोनों स्ट्रांग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली हैप्पी दैट अच्छे सब्जेक्ट्स पर फिल्म अब नाउ इट्स स्टार्टेड, यू नो द बॉलीवुड हैज स्टार्टेड अडैप्टिंग गुड सब्जेक्ट्स, एंड वी आर रियली हैप्पी Reem इज डूइंग वन, एंड रियली गुड सर्टेनली, बिकॉज मलाला यूसुफ़ज़ई ये कैरेक्टर को पूरी दुनिया जानती है, और आज के ज़माने में जब वुमन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू बन गया है, तो ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बुक सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो एक फिल्म के जरिए आप लोगों का ये बिल्कुल राइट, और विजुअल मीडियम जो इम्पैक्ट करता है वो बुक से कहीं ज़्यादा होता है, मैं भी जानता हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर Reem कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची इतना बड़ा कैरेक्टर निभा रही है, जो कि एक जीता जाता कैरेक्टर है,
and that's really difficult to portray someone like this, and that too Malala. And something I really want to talk about is her parents, which you know really support karte hain, chahe hum jab rapta shoot karte hain, or she's done this or she does the other stuff, songs and ads. Jitna support uske parents karte hain every day, they put a lot of effort staying with her, making sure she eats well, her nutrition, her studies, taking care of her. So unke parents then dream obviously, and plus she's a great artist to work with, and she's doing good subjects. It makes me happy that as an artist she's responsible and she's putting and taking up good subjects on board. Correct. मतलब जैसे मलाला की स्टोरी में उसके फादर ने उसका हर तरीके से सपोर्ट किया था, वैसे ही मैं समीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा. And शीतल मैम. Yeah, and शीतल मैम, कि उन्होंने रिम को इतनी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो, and in a right way. Yeah. They are supporting their child to become a actor, so which is very necessary. And I just wish them all the best for this film, and I hope ये film बहुत I think it's definitely going to be a critically acclaimed film, but also I want it to do really good on the numbers as well. I think it needs the Bollywood needs to start growing on this subjects, this sensitive subjects commercially also be better hona chahiye. Correct. Main matlab iske liye main director aur producer ko dhanyawad dena chahunga, frankly speaking, ki unhone subject uthaya, jabki aaj ka daur to aap sab log jante ho kya ho raha hai, jabki aaj ke daur mein ye film lana is a big step. Yeah. To director aur producer sabko congratulations, and I hope ki aapki film bahut bahut chale. For this film, and I just really love this film because यही है जिन्होंने education लाई है हमारे girls के लिए. And अगर आप सब मेरे school जाएंगे तो वहाँ पर भी इनके posters हर जगह लगे हुए हैं, and ये सबके लिए inspirational है. तो guys आप सबको जाना चाहिए और ये film देखनी चाहिए. क्या कहना चाहेंगे उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक्ट किया. मैंने जो ट्रेलर देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, एंड उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें. एक्चुअली वेन एवर द मूवी कम्स ऑन द रियल स्टोरी रियल लाइफ यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी it has to be specific, you cannot go here and there. So you know whenever the real life story movies are there, it has to be very important and very nicely done, because you cannot go wrong in that. Yeah. And I'm sure this movie has done a great job, and you need courage to choose such a character. Yes, yes. Yeah, of course, very important. I'm so glad that I'm associated with Reem, who is playing the main character. Yeah. So yeah, we are talented. She is so talented. Yeah. She is definitely very talented actor. Yeah. And we are working with him, so I think हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा ना? She is such a talented actor. Yeah. I'm like. Have you seen the trailer? Yes, of course. We loved it. We like it. We love it. We loved it. It's amazing, and Reem is gonna kill it. She's just gonna kill it. It's killing. Yeah. You should be worried कि आगे क्या होगा, अभी कैसे होगा. हाँ, एक interest story, but still interest level is very high. हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, and we love it, real life stories and all biopics and all that, we really love to watch it. Yeah. And now the trend is that only. Yeah. And this is a very sensitive thing, and of course a lot of controversies they went through, even the director has true. Yeah, yeah, yeah. But jisko jo acha hona hai wo hona hi hai. Yeah, and it's yeah. a very inspiring story for yeah. youth as well as females. Like main sari ladkiyon ko bolti hu, kuch bhi ho jaye always you should educate yourself. Yeah. And one more thing I would like to say is आगे बढ़ के भी आपको पैसे कमाने, भले इफ़ यू अर्न 5000 इट्स ओके, बट यू शुड अर्न योर ओन मनी सो दैट आपको किसी की कोई बात ना सुननी पड़े. यू शुड बी इंडिपेंडेंट. एंड एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट शी इज टेलिंग एवरीबडी टू बी एजुकेटेड. एंड यू नो एजुकेशन आई फील दैट नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. इट्स मस्ट. सो शी इज शोइंग यू नो इन दिस मूवी वी आर गेटिंग टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एंड दिस इज गोना इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल नॉट ओनली हियर बट इन विलेजेस एंड ऑल, वेयर पीपल actually don't know what's the importance of India. Education. Yeah. Outside India also there are some some nations जहाँ पे education अभी भी नहीं मिलता है लड़कियों को, और इवन बच्चों को भी नहीं मिलता है. So of course it is necessary to promote education.
most importantly. So yeah, it's a good sign. Yeah. So lastly, Reem, ko kya best wishes dena chahiye? Reem, we love you, Reem. All the best. You're gonna nail it. You're gonna kill it. Yeah. And this movie is gonna rock. Yeah. Dhumaka is gonna rock, guys. Yeah. Woo! Thank you. Yes, of course, dekha. Ek baar wo bol ke dikhaoge ya tum mujhe? Yeah, yeah, ye line badi achhi hai. One child, one teacher, one book, one pen can change the world. So, yes. Iske baare mein kya kehna chahenge? Matlab amazing unhone kirdaar nibhaya hai Dhumake ka. Malala ka kafi acha kirdaar nibhaya unhone. So yes, of course, trailer mein to humne dekha hi hai. And of course, hum har din bhi use TV pe dekhte hain, samne bhi dekhte hain perform karte ho, to itni super actress hai. So I know ki film bhi utni amazing hone wali hai, utni interesting hone wali hai. Sabse badi baat ye ki film ka message bahut acha hai. Actually, yes. It's about educating the world child and how much an impact that can have on the entire society, on the world actually. So bahut achhi film ke sath Reem apni shuruaat kar rahi hai and that's why we have to support her. And main excited thi na iske bare mein padhne ke liye, par maine book kholi, wo jo hamari aadat hoti hai book khol ke do page padh ke neend aati hai, wo maine kaha ye movie main miss nahi karungi. First Reem ke liye bhi dekhni hai and ek aise subject ke liye bhi. Isliye aaj hum pack up karte hi seedha. हाँ सीधा, सेट से सीधा है के लिए उसकी स्क्रीनिंग पर. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू आंखों में आंसू भरे हुए थे टक सीधा. ओके, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड काफी से निभाया एंड डायरेक्टर इवन द होल कास्ट काफी बाखूबी से निभाया. क्या कहना चाहिए, काफी कंट्रोवर्सी से भी जुड़े हैं अशोक. कंट्रोवर्सीज तो खैर मलाला यात्रा की लाइफ में बहुत ही रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, द वे शी इज चेंज्ड द आउटलुक ऑफ द एंटायर सोसाइटी टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, आई थिंक वो बहुत जरूरी है देखना. अच्छा, मलाला के लाइफ की कंट्रोवर्सी, आई थॉट द मूवी. That's part and parcel. यार आप ऐसी कोई भी फिल्म बनाएंगे तो हाँ ये मुझे लगता है hurting some kind of sentiment of some kind of religious sect. But in the end हो ही जाती थी. Yeah, in the end you should always focus on the bigger picture. Bigger picture अगर message आपका बहुत बड़ा है तो वो एक तो लोगों को आपको you have to take some challenges where you have to pass on the message that you intend to. So I all the best to Reem and हम लोग जो support कर सकते हैं करेंगे. Yes. फिर आपने Reem के लिए क्या best wishes आप लोग देना चाहेंगे? We hope that the film is a super hit. And Reem Amai superstar hai hi already and aur badi superstar. She should get a lot of accolades for her performance and a lot of success. Yeah, we wish her the best actually. We wish her the best. Thank you so much, guys. Thank you. Well, it's a very heart-touching subject. It's a story that can be told so many times and there's always a new facet to it. It's a beautiful story of a very brave girl, of a very courageous girl, and I'm so glad a talented girl like Reem is playing this character. कहानी ऐसी है और इतनी हार्ट टचिंग है कि एक लड़की ने एक स्टेटमेंट किया अपनी जान दांव पे लगाकर मौत से लड़के, और कई चीज़ों के खिलाफ उस वक्त जो समाज में या उन हालातों में चल रही थी उसके खिलाफ एक लड़की की हिम्मत जो है, उसकी स्टोरी कितनी भी बार कही जाए, कितनी भी अलग तरीके से कही जाए, और इसमें इतने टैलेंटेड लोग हैं. डायरेक्टर का एक एफर्ट होता है, एक्टर्स के एफर्ट्स होते हैं, पूरे क्रू का जो एफर्ट होता है, तो उन्होंने ये जो कोशिश की है वो ही काबिले तारीफ है. दिस इज़ द बिगिनिंग एंड देयर इज़ द वर्ल्ड टू गो, सो द वर्ल्ड शुड बी अ प्ले ग्राउंड. डू द बेस्ट यू कैन. You're very talented, very pretty, and a very nice girl. So may Allah always smile upon you. Thank you so much. Wonderful to be here right now. Actually, it's a wonderful feeling to see Reem up there on the hoardings and up there everywhere. And the movie is coming. काफी खुशी हो रही है. हमारा शो शुरू होने से पहले Reem ये movie कर चुकी थी. तो I know the entire story. I know how much time she was there, and she's here. So. Yes. How are you feeling? I'm good. Yeah. I'm better now. I'm better now. Yeah, even I feel better now. So excitement hai, maza aane wala hai. But abhi like अभी थोड़ी फ्री हो गई ना, बस अभी थोड़ा ऐसा सारे इंटरव्यू दे लिए, सबसे मिल लिया, हाय हेलो कर लिया, लोगों ने ऐसा अच्छा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, अच्छी लग रही है बोल दिया, तो अब वो खुश है. एक्चुअली आई एम गोना बी नर्वस टिल द टाइम आई डोंट सी द मूवी बिकॉज़ मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, तो मैं भी सबके साथ पहली बार ही देखने वाली हूं. दैट्स राइट.
That's nice. I actually remember messaging her last night that I feel very lost. Pata nahi kya ho raha. Watched it a couple of times actually, because of course it was hers and we were watching it together also. So, achhi feeling thi yaar, matlab dekh ke acha laga. And she's looking. The brilliant part is that in the show she plays Kalyani, which is a very smart, you know, smart girl in the sense ahead of her age. Gul Magai is a very innocent girl who's fighting with all the courage. And I think in the promo you can easily figure out that she is looking different. What she is as Kalyani, so she's looking exactly like how Malala is. So I think that was a beautiful part. Promo mujhe itna feel hua thoda. I kind of felt it. So, acha hoga. Yaar, सबसे पहले तो मैं मलाला यूसुफ़ज़ई को बोलूँगा थैंक यू एंड वॉट एवर शी इज़ डन शी इज़ एन आइकॉन राइट नाउ एंड वी ऑल लुक अप टू हर शी इज़ मोर लाइक एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस एंड सेकेंडली रीम ने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्ले किया एंड आई एम होपिंग कि मज़ा आया देखा आई एम श्योर शी मस्ट हैव डन जस्टिस टू गुल मकाई सो आई एम होपिंग फॉर इट तुम इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस हो कैसे करती हो तुम्हें यार बताओ ना सिखा देगी आपको सिखा दूंगी सीख जाओगे इट्स ओके मैं सीख रहा हूं आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम हर यार टू बी ऑनेस्ट वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम हर लॉट ऑफ थिंग्स शी बीन इन द इंडस्ट्री बिफोर एनीवन ऑफ अस प्रोबब्ली एटलीस्ट मी ना सविता दा यार कम ऑन ऐसा इतना भी नहीं 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 ये पिछले जन्म से एक्टिंग कर रही है इतनी अच्छी एक्टिंग करती है दैट्स व्हाट वी कॉल हर रीम जी महान ऑन द सेट बिकॉज़ शी इज रियली गुड थैंक यू एक्चुअली तुझसे रब्दा से बहुत पहले ये शूट किया था मैंने सो आई यूज टू नॉट टेल एवरी वन बिकॉज मुझे पता था कि ये रिलीज़ होने बहुत डीले होने वाला है बिकॉज ऑलरेडी भी बहुत डीले हो चुका था सो आई यूज टू नॉट रियली गो अराउंड टेलिंग पीपल बिकॉज आई जस्ट डिडंट लाइक सबको बता बता के मुझे इट्स ओके ना दैट्स अ गुड थिंग लेट योर वर्क टॉक दैट्स हाउ इट इज आई गेस जब मूवी आएगी तो लोग देख लेंगे खुद मैंने आके अभी भी सेट पे ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है Like people, yeah, actually a lot of people they've don't know. They've seen it. They've seen the hoardings. Yeah. They've seen the posters now. Yeah, like when people come up to me, that's the. Only See, that's time. The innocence. Where the innocence comes in. मुझे लगता है किसी को पता नहीं है अभी भी. Yeah. Everybody knows it. It's okay. Yeah. रीम सबको पता है फिल्म के बारे में नाउ शी नोज नाउ आई नो थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू शुरुआत में तो इतना चैलेंज मुझे शुरुआत में तो मुझे पता नहीं था कि इतना चैलेंज का सामना करना पड़ेगा दूसरा कंट्री है मुझे ऐसा लगा था कि दो भाई अलग हो चुके हैं सेम होगा लेकिन सेम बिल्कुल नहीं था हम दरवाज़ा खोलते ही तालिबान को नहीं देखते बंदूक लेके खड़े हैं और हमको स्कूल जाने से मना कर रहे हैं हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हम बाज़ार नहीं जा सकते हम बिना सर ढके बाहर नहीं जा सकते सो दे आर वेरी यू नो दे आर मैं टेररिस्ट नहीं बोलूँगी दे आर साइको काइंड ऑफ पर्सन मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि कोई धर्म का नाम लेके कोई झूठा कुछ हदीस का नाम लेके ऐसा कुछ करे तो पहले जो रिसर्च में जो प्रॉब्लम था कि आप कुछ सुनना चाह रहे हैं आपको सुनने नहीं दिया जा रहा है आप जब किसी को सवाल कर रहे हो दे आर जस्ट हाइडिंग जब मैं पहली बार मैं बताऊं कि आई एम इंडियन तो उनको सबसे पहले लगता था कि शायद रॉ का कोई एजेंट होगी शायद कुछ जानने की कोशिश कर रही होगी तो नॉट लाइक दैट मैं उनको बताने की कोशिश कर रही थी आप ही के देश की एक बेटी है जो लड़के आज बहुत आगे निकल चुकी है उसके बारे में जानना चाहती हूँ लेकिन जब मैं पूछती थी यहाँ पर कुछ हादसा हुआ है क्या डेट लेके टाइम लेके नहीं बिल्कुल नहीं सो मुझे पता था कि यहाँ पर हुआ है बट दे वर डिनाइंग बहुत लूफोस है फिर मुझे लगा कि जर्नलिस्ट बन जाते हैं ऐसा नहीं होगा एक राइटर बन के मैं रिसर्च नहीं कर सकती तो वहाँ पर जो सबसे जो फाटा है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो बहुत खतरनाक जगह है वहाँ पर पहाड़ियों के नीचे एक टनल हुआ करता है जिसके अंदर से तालिबान अंदर घुसते हैं तो वहाँ के जो लोग हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको झेलते हैं माइंस में वो मर जाते हैं एक बाप
जो अपने बेटे को खाना नहीं दे सकता वो ह्यूमन बॉम्बर बनने के लिए उस बेटे को खरीद के लेके जाता है और बाप कभी मिल भी नहीं पाता है उससे, और कभी समझ में आता है कभी सुनने को आता है कि वो बंदा ह्यूमन बॉम्ब बन गया, आपका बेटा उड़ गया है। तो मैंने उन लोगों से जब बात की तो तब मुझे समझ में आया नहीं, स्टोरी कुछ अलग ही है, और तब मुझे इस लड़की का जज्बा समझ में आया कि अरे नहीं, मतलब बहुत हिम्मत की बात होती है कि आप इतने, एक तालिबान आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे जो आपका सर काट के, मतलब फुटबॉल खेलते हैं उनके खिलाफ आप एक पेन लेके खड़े हो जाते हो, मतलब हिम्मत की बात है, दाद देनी पड़ेगी। ओके, कास्टिंग के बारे में, अगर अमेजिंग कास्ट है जो आपने लिखा है, काफ़ी बाकी से उन्होंने पोत्रे भी किया, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमको लगा ही नहीं था कि पाकिस्तानी वो उर्दू एक्सेंट वो पश्तो एक्सेंट हम इंडियंस मतलब कर लेंगे करके, लेकिन आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स, दे आर माइंड ब्लोइंग। पहले तो हम लोगों ने वो उनका फेस मैच करता है ऐसा करके ढूंढा, फिर लगा कि वो काफ़ी नहीं है शायद, जब एक्टिंग क्योंकि यहाँ पर सर ने, हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत बारीकी से नज़र रखा कि वहाँ अगर कोई कोने में एक बंदूक लेके भी खड़ा है तो वो FBI से, IIC या फिर NSD से हो, एवरीवन इज समवेयर देयर एक्टर, देयर थिएटर आर्टिस्ट, तो यहाँ पर कोई जूनियर आर्टिस्ट आपको दिखेंगे नहीं, जो कोने में बैठ के थोड़े से मतलब नॉर्मल खड़े भी हैं देयर एक्टर्स। थैंक यू। ऑफकोर्स वी हैव एंड वी वेरी एक्साइटेड फॉर इट, पोस्टर्स ही इतने अमेजिंग है, ट्रेलर्स ही इतने अमेजिंग है दैट वी रियली एक्साइटेड to watch Reem on the big screen for the first time, so congratulations to her and her family, and yes, I just want to see the movie now, I can't wait anymore. The topic is very sensitive, right? Well, of course, we've all seen her working on the small screen and showing her acting skills. Obviously, she's been waiting. Actually, I remember she's been waiting for this project for a really long time. Yeah. And I'm really happy that it's finally out, it's finally here. And she's worked really hard for it. And really excited to look at her at the big screen. Chote parde pe to rock kar hi rahi hai, abhi bade parde pe, I'm sure she's gonna rock it too. So, looking forward to it and very excited. Okay, the movie also went into a controversy, like even director has got some certain calls for a religious matter. I guess hats off to them to actually come out with such a sensitive issue so boldly, especially in an era, in a time when people take things too personally and too sensitively, I would say, especially when it's about religion. I won't want to comment anything on this, but I guess all I can say is respect to them, respect to the entire team, everyone who's been facing all these controversies so boldly and so bravely. I'm sure the topic is also gonna come out really well, and it has a great message to give. The movie has a great message, and I hope it's being loved by the audience. Lastly, Reem ko kya best picture naam dena chahenge for the movie? Reem, all the best. Gul Makai is gonna rock in the theaters now, and yeah, just you're gonna rock now, like small Yay! Screen, big screen. Woo-hoo! All the best. I would just say ki bahut acha hai ki aise subject pe ek film ban rahi hai. And it's a very important subject which we should watch, and with entertainment kabhi ek social message hota hai aise film ka, so we should back this film. And I have come specially for Reem because Reem meri daughter Ishika ki bahut close friend hai, bachpan se dono ko maine saath mein dekha hai, they've been the best of friends, so Ishika said, and Reem has acted also in Ye Rishta Kya Kehlata Hai, and so I told Ishika I'll come for a best friend, and I'm very happy ki Reem ki film aa rahi hai, and all my blessings and best wishes. What do you want to say, like your best friend has done amazing job in this? I always knew she could do it, I was just waiting for her first film to come out, but when she told me that her first film is coming out, I was very excited, and I was messaging her every single day like what's the update, but I'm very happy and proud of her, she's very talented, and this film is going to do great, especially because it has such a good cast. Yeah. ये कहना चाहूँगा जब कंटेंट अच्छा है और अगर इंटेंशंस अच्छे हो तो नथिंग कैन स्टॉप इट, एंड मैं अप्लॉड करता हूँ कि अच्छे इंटेंशंस को और अच्छी नीयत को, कि एक अच्छे कॉज को लेकर उन्हें फिल्म बनाई है, एंड विशिंग Reem एंड एवरीबडी एसोसिएटेड विद द फिल्म द वेरी बेस्ट। आज
हाँ, रीम को जैसे मैंने बताया, रीम और ऋषिका मेरी डॉटर 8-9 साल से मैंने देखा है बेस्ट फ्रेंड्स रही हैं, और रीम ने ऋषिका में काम भी किया है, तो सारी टीम की तरफ से भी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस टू रीम। थैंक यू। यू नो, बहुत ही कमाल की चीज़ है कि अभी जिस किस्म का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा माहौल सा हो गया है कि आपस में जो है वो कुछ दरारें सी पैदा हो गई, अचानक से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिंदू मुसलमान अलग हो गए हैं और वो एकता नहीं रही। तो इस तरह की फिल्में मुझे लगता है निकल के आती हैं जो एक खूबसूरत सा मैसेज लेकर के आती हैं, और मुझे पता है कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है फिल्म में, लेकिन आजकल ऑडियंस का जो टेस्ट है वो बदल चुका है। कई बार हिंदुस्तान की जनता और आवाम को ऐसा लगने लगा है कि अभी बहुत बड़े स्टार की फिल्म अगर कंटेंट नहीं होगा तो शायद नहीं देखेंगे। तो दिस इज़ द ब्यूटिफुल थिंग। ये मुझे लगता है ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, हिंदुस्तान की जनता आवाम बहुत समझदार हो गई है, अब वो कंटेंट को जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ज़्यादा महत्वता दे रही है उसमें। सो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं गोल मकई की पूरी टीम को, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग देखें। क्रिटिकली अक्लेम ज़रूर होगी, बट बॉक्स ऑफिस में भी कुछ धमाल दिखाए, थोड़ा पैसा हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी मिले तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और पूरी टीम के साथ। सो बेस्ट विशेस, और इंशाल्लाह ऐसी दुआ करता हूँ कि गुलमकई जो है वो रॉक करे बॉक्स ऑफिस पर और लोग इसको देखें। बेस्ट विशेस, थैंक यू। अच्छा, इस साल का बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, क्योंकि बिग बॉस में बहुत ही धमाल चल रहा है इस साल, क्या कहेंगे सर? यार, बिग बॉस डेफिनेटली मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे सीजन के बाद, सीजन 6 के बाद मेरी जर्नी अलग हो गई, और आई साइंड जय हो एंड देन लॉट ऑफ फिल्म्स विद सलमान भाई माशाल्लाह। सो अभी सीजन 6 के बाद अगर मैंने कोई सीज़न लक के फॉलो किया है तो वो है बिग बॉस 13, और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट इसमें जो मुझे बहुत समझ में आया, अब ये मत सोचना तुम लोग कि मैं संतोष शुक्ला हूँ इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने उनके साथ कभी काम किया है, ना हमारा कभी आमना सामना हुआ है, बट उसका गेम और उसका जो जिस तरीके का उसका ऑरा, जो उसकी जर्नी मैंने पूरी टोटैलिटी में फॉलो की सिद्धार्थ शुक्ला की, आई रियली लव्ड हिम एंड आई थिंक दैट ही इज़ अ माचो मैन, इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, बहुत अच्छा खेल रहा है। बाकी विनर में 3 लोग साफ साफ एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है दैट इज सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज एंड शहनाज गिल सना पंजाब की कैटरीना। सो मैं बाकी सारे कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। विशाल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड लाइक अ डियर ब्रदर, विशाल आदित्य सिंह, हमने काफ़ी पहले कुछ किया भी था, तो उसको भी बेस्ट विशेज। और बाकी अभी गुलमकई की बात करते हैं, बिग बॉस पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे जिसके लिए आए हैं। सो बेस्ट विशेज हैं गुलमकई की टीम को, और इंशाल्लाह ऐसी दुआ करता हूँ, महादेव ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Amazing actor, I'm so proud of her, and I think ये movie काफ़ी ना पहले शुरू हुई थी, उसने और इम्प्रूव कर लिया, एंड आई लव तुझसे रापता एज वेल, बट गुल मकई की तो क्या कहने, ट्रेलर देख के आई वॉज लाइक गूज, आई गॉट गूज बम्स, एंड आई वॉज लाइक आई रियली वांट टू वॉच दिस फिल्म, एंड शी इज डन एन अमेजिंग जॉब। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड जिस बाखूबी से जिस डस्ट चेंज लाने की कोशिश करते हैं हम लोग लाइफ में, तो उस पर मतलब चेंज आदन के हम ईजी, जैसे हम हमेशा से सुनता है, सो आई एम श्योर चेंज लाने में मुश्किल होती है, बहुत लोग रोकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी तरक्की को रोकना चाहेंगे, और कुछ चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर कि इसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मलाला पे बेस्ड है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट, एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी फॉर इट। अच्छा हो, एंड इट्स गोइंग रियली वेल, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो,
क्या विशेस देंगे? ऑल द वेरी बेस्ट रीम, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड आई एम श्योर यू गोना रॉक एंड ये फर्स्ट है, अभी बहुत सारी और आने वाली है एंड यू सो हार्ड वर्किंग एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल. थैंक यू. फिल्म देखने भी जा रही है, कितनी एक्साइटेड है ये फिल्म देखने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने ट्रेलर देखी हूँ इसका, बहुत बहुत ही अच्छा था और मतलब लाइक ये ट्रेलर और ये मूवी से बहुत सारी काफ़ी लड़कियाँ और शायद लड़के भी बहुत इंस्पायर हो गए और देखते मूवी, बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए. इस किरदार को रिम कितना जस्टिफाई कर पाएगी और कैसी बॉन्डिंग आप शेयर करती है रिम के साथ? मैं तो एकदम मतलब लाइक मैं मिली हूँ उनसे लेकिन मेरा कभी पर्सनली ऐसे मतलब लाइक ज़्यादा मिलना जुलना या बातें नहीं हुई है, बट उन्होंने जो मैंने ट्रेलर में देखी हूँ जो हिसाब से वो कर रहे रोल, तो मुझे लगता है मूवी में भी बहुत एक्सीलेंट तरीके से उन्होंने रोल किया होगा और ऑब्वियसली वो एक एक्टर है तो वो तो करेंगे ही, तभी तो उनको ये मूवी मिली है. आज अकेले दिखाई दे रहे हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है साथ में? नहीं, क्यों, क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी या फिर मैं लेट आ गई हूँ, पता नहीं, मुझे अभी देखते हैं. ओके, थैंक यू.